हेलो गाइस, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि कुकॉइन का आप विड्रॉल कैसे कर सकते हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, यानी कि केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको बताएंगे कि आप कुकॉइन से लखपति कैसे बन सकते हो, वो भी आपको बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। 100% फुल डिटेल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं एंड आपको सबसे पहले बताएंगे विड्रॉल कैसे लेना है, जिसके बाद बताएंगे आपको केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। ट्रेडिंग पासपोर्ट सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना ना। आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप लखपति कैसे बन सकते हो, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, ठीक है ना गाइस। सबसे पहले तो आपको जो भी डेली टास्क रहता है सारे के सारे डेली टास्क आपको कंप्लीट कर लेने, जितने भी अकाउंट में आपने मतलब इसको अकाउंट बनाए ना, जितने भी अकाउंट में सब में डेली टास्क कंप्लीट करके जो भी आपके टोकन है वो सारे टोकन आपको अपने मेन अकाउंट में सेंड कर देने। वहाँ से आईडी को कॉपी करना ना, यहाँ पर आपको सेंड बटन पर क्लिक करते रहना। बार बार क्लिक करो गाइस, एक सेकंड में सारे टोकन आपके मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको बस बार बार क्लिक करना, एक ही बार आईडी डालनी है, बस नीचे आपको सेलेक्ट कर लेना दूसरा ए बी सी डी। वैसे डी तो किसी को मिला ही नहीं, बहुत ही कम बंदों को डी मिला है और जिसको मिला उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। काफ़ी सारे बंदों को नए अकाउंट में तो मिल चुका था। अब आ जाएंगे हम हमारे मेन अकाउंट में और यहाँ पर आ जाना, अपने जो इवेंट चल रहा ना उस वाले सेक्शन में आ जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको करोड़पति कैसे बनना है। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार करोड़पति का नाम क्यों लेना, क्योंकि गाइस मुझे एक ट्रिक और पता चला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपका लक सही रहा है, देखो डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, अगर आपका लक सही रहा है तो आप करोड़पति बन सकते हो। आपको मैं बताऊंगा आपको पैसे कहाँ मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आपका लक सही रहा ना गाइस तो 100% आप करोड़पति बन सकते हो, ऐसा ऑफर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे ये टोकन रहते ना, आपको डी भी मिलता है तो आप मर्च कर सकते हो। मर्च से आपको एक कॉइन मिलता है, काफ़ी सारे भाई ने मर्चिंग कर रखी है और काफ़ी सारे कॉइन है, उस कॉइन का क्या यूज़ होगा वो भी मैं बताऊंगा। और सुबह अगर आप 5:30 बजे उठते हो तो $2, $5 एंड आपको $10 तक यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिलता है। सुबह बराबर 5:30 पर 5 से 10 सेकंड ये इवेंट चलता है, तो डेली सुबह 5 बजे उठना। और आपको बता देता हूँ कि ये इवेंट कब तक चलेगा, कब एंड होगा, ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो 10 तारीख के दिन ये इवेंट एंड हो जाएगा, उससे पहले आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेना है। और ये इवेंट चल रहा है करोड़पति वाला, देखो मैं आपको बताऊँ इसमें करोड़पति कैसे बनना, तो वही जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मिल जाएगा आपको बिटकॉइन, इथेरियम, काफ़ी सारे आपको टोकन देखने को मिलेंगे, 5 टोकन मिलेंगे। अब इनके डिस्काउंट ऑफर है गाइस, देखो 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको यहाँ पर 90% डिस्काउंट मिलेगा। अब इस डिस्काउंट का क्या ऑप्शन है ना, इसका क्या यूज़ होगा वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक है इतने लोगों को इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर मिलेगा आपको 90% का डिस्काउंट बिटकॉइन में। अगर आप बिटकॉइन 500 रुपये के खरीदोगे तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपके जो $500 रहेंगे वो 5x यानी कि 10x हो जाएंगे। ध्यान से सुनो गाइस, जो आपके ये $500 रहेंगे वो 10x हो जाएंगे, यानी कि 5000 आपके USDT हो जाएंगे, यानी कि आप बन गए लखपति। लेकिन आपको ये टिकट मिलनी चाहिए, स्टॉक में रखा हुआ कोई टोटल ये 200, तो आपको 200 मेंबर को ही मिलेगा, ठीक है ना। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ड्रॉइंग का ऑप्शन, देखो गाइस काफ़ी सारा ड्रॉइंग का ऑप्शन मिलेगा। आप जितना टोकन कलेक्ट करोगे उतना ड्रॉइंग का ऑप्शन मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा ड्रॉइंग करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ड्रॉ, जैसे आप ड्रॉ करोगे इसके अंदर ही आपको कूपन मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा 90% 20% 30% जो भी डिस्काउंट कूपन मिल जाए उससे आप परचेज कर सकते हो उस बिटकॉइन को। अब बात करेंगे परचेज कब करना और बिटकॉइन का एक कूपन और किस तरीके से मिल सकता है। तो आपने जो भी मर्चिंग की होगी, जो मर्चिंग किया होगा ना, आपको एक कॉइन मिला होगा, वो वहाँ पर दिख रहा है ऊपर कॉइन, यहाँ पर आपने मर्चिंग किया होगा ना, कॉइन रखा आपके पास एक या दो कॉइन, तो आपको शाम को 7:30 बजे उसको बाय कर लेना है और उनसे आपको कोई भी रेंडम कूपन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका लक सही रहा ना, आपको 90% का कूपन मिल गया तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हो गया करोड़पति का। अब बात करेंगे विड्रॉल का, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 330 रुपये मेरे वॉलेट के अंदर रखे। इसको विड्रॉल करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा तो वो प्रोसेसिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आइडेंटिटी के बारे में बात करूँ, आइडेंटिटी यानी कि KYC के बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस KYC के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे दे दूंगा। यहाँ पर आपको रेंडम कोई भी 12 डिजिट की फेक आईडी डाल देना, कुछ भी आपको डाल देना और यहाँ पर ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ना, आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, इसको अपलोड करने की पूरी भी आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना, आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आना वॉलेट पर, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ट्रेडिंग। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे आके आपको यहाँ पर आपका जो मेन अकाउंट रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना। तो आपको सिंपल सा ट्रेड पर आ जाना। ट्रेड पर आने के बाद आपको ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा सर्च बार। इस सर्च बार में आपको लिख देना है TRX, TRX को सर्च करो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा USDT, इसमें आपको कन्वर्ट करना। यहाँ पर रिटर्न से TRX को सर्च करना। देखो मैं आपको रिटर्न से दिखा दूँ। ट्रेड पर आना, ट्रेड पर आने के बाद आपको यहाँ पर USDT में TRX को सर्च करना। जैसे TRX सर्च करो, इस पर आपको क्लिक कर देना ट्रेड पर आने के बाद, ठीक है ना। बीच बीच दिख जाएगा आपको, बीच वाले ऑप्शन में ट्रेड का बटन। अब यहाँ पर आपको ये 4 USDT जो मिला है ना आपको, उसके आपको TRX बाई करनी। तो आपको लिमिट दिख रही है ऊपर, उस पर क्लिक करना लिमिट पे, और यहाँ पर आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना। मार्केट करने के बाद आपको यहाँ पर 100% कर देना, एंड आपको बाय वाले बटन पे क्लिक कर देना। देखो 100% करके आपको बाय वाले पे क्लिक कर देना। जैसे बाय पे क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग पासवर्ड डालना। अगर आपके पास ट्रेडिंग पासवर्ड भूल गए तो वहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन वहीं पर आएगा। सिंपल सा फॉर्मेट कर लेना। आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे OTP आएगी, और वहाँ से आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रेडिंग पासवर्ड जैसे जाओगे तो वहाँ पर फॉर्मेट कर लेना, इतना कोई इशू नहीं रहेगा। तो गाइस यहाँ पर ट्रेडिंग से हमने यहाँ पर देखो TRX को बाय कर ली। अब इस TRX पर क्लिक करना, नीचे मिलेगा ट्रांसफर का बटन, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग वाला अमाउंट रहेगा वो आपको मेन अकाउंट में भेजना है। देखो यहाँ से आपको मेन अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर आल का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। जितनी TRX आपकी बाय हुई वो आल आ जाएगी ना, आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना। अब आपकी जो भी TRX है वो मेन अकाउंट में चली गई। तो मेन अकाउंट में TRX आने के बाद आपको विड्रॉल का बटन दिख जाएगा। विड्रॉल पे क्लिक करना। आपकी जो TRX का यहाँ पर आपको एड्रेस डालना। एड्रेस कहाँ से डालना, जहाँ भी आप TRX से लेना चाहते हो, चाहे बाइनेंस, वजीर एप्लीकेशन, एंड आप ट्रस्ट वॉलेट जहाँ भी आपको लेना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। और मिनिमम यहाँ पर 2 TRX का आप विड्रॉल कर सकते हो। तो हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आते हैं आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से हम TRX को सर्च करेंगे, TRX का एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस से कुकॉइन वाली एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। आने के बाद यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे, और यहाँ पर हम मैक्स क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपकी 1 TRX की फीस लगने वाली है। यहाँ पर कुछ भी मत लिखना, नीचे 1 TRX की फीस लगेगी। जैसे आप कंफर्म पे करोगे तो आपकी TRX 10-15 मिनट के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगी। अब बात करेंगे 2-step verification के बारे में, जो काफ़ी लोग बोल रहे थे। तो आप प्रोफाइल पर जाना, और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का बटन देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपको सिक्योरिटी वाले बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देना। देखो मैंने गूगल ऑथेंटिकेशन को ऑफ कर रखा, जीमेल को ऑफ कर रखा, मैंने सारे चीज़ों को ऑफ कर रखा, केवल टच को ऑन कर रखा, बाकी सारी चीज़ों को मैंने डिसेबल कर रखा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। आपको सिंपल सा ट्रेडिंग पासवर्ड दिख रहा ना, इसको सेटअप कर लेना। अगर भूल गए तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, वहीं से फॉर्मेट कर लेना। इतनी सी प्रोसेसिंग रहती है ना, यहाँ से आप विड्रॉल ले सकते हो। अगर आपको फुल डिटेल से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।